अब्दू एक स्वीट हार्ट लव ऑफ माय लाइफ, इतना क्यूट है, मेरे को लगता है बिग बॉस हाउस जाके इसको टाइट हग कर। बिग बॉस भी चल रहे हैं क्या, आप लोगों को मौका मिलता है बिग बॉस देखने का कुछ? हम अपना एपिसोड देख ले हम वही करते हैं, पूरा दिन शूट करते हैं, अपना एपिसोड देखते हैं और सो जाते हैं। फिलहाल यार बिग बॉस मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट या आई जस्ट वांट टू से ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर क्रू एंड द एंटायर एक्टर्स एंड ऑल दैट। लेट्स सी, देखते हैं वक्त अगर मिल गया तो, इफ टाइम परमिट्स एंड ऑल दैट। फिलहाल तो कुछ और चीज़ें चल रही है जो लाइन अप है, अगर वो चीज़ें अगर सक्सेसफुली अगर हो गई टाइम पर, उस टाइम फ्रेम में अगर ख़त्म हो गई, तो अगर बिग बॉस अगर उस वक्त रहेगा मैं कर पाऊँ तो ऑफकोर्स वाई नॉट। थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, जीरो, एब्सोल्युटली नथिंग। और इसके अलावा मैं बात करूँ, मैं बिग बॉस ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, जितने स्निपेट्स इंस्टा पे देखने को मिलते हैं बस वही देखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई उससे पहले, बट इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली उससे पहले डिस्क्लोज नहीं करते हैं किसी भी कंटेस्टेंट्स का, सो मे बी उसको भी ये बोला होगा कि कुछ डिस्क्लोज नहीं करने का, सो इसलिए मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। जी हाँ, मैं यार बिग बॉस के लिए बना नहीं हूँ, आई एम नॉट मेड फॉर बिग बॉस। मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकता, मैं कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकता, मैं चुपचाप वहाँ पर बैठ जाऊँगा छा के, कोई फ़ायदा नहीं। अरे यार क्या अभी हर्ष के शो के लिए आए आप बिग बॉस पूछ रहे हो? नहीं मैं नहीं कर रही हूँ फॉलो बिग बॉस, मैं डाई हार्ड फैन हूँ बिग बॉस का, मैं सारे एपिसोड सारे सीजन देखती हूँ और मेरे मेकअप रूम में मेरी शुरुआत बिग बॉस देख के होती है, जिसमें ये मुझे आके बोलती भी थी हमेशा कि क्या तो अपने दिन की शुरुआत लड़ाई से करती है, बट आई लाइक बिग बॉस, ऑफकोर्स देख पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सबका चहेता अब्दू है तो मेरा भी वही है, बिकॉज वो एक अलग फ्लेवर लेकर आ रहा है शो में, बहुत क्यूट लुकिंग है, ही इज गॉट हिज ओन चार्म, सो आई लाइक दैट एलिमेंट, उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही दिखने के लिए, मतलब आई थिंक ही इज द टॉलेस्ट फिगर इन द हाउस। मैं कलर्स में जो भी वो लोग पोस्ट करते वो मैं ऑफ कोर्स मैंने देखा, एंड अब्दू इज ऑफ कोर्स वेरी 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 क्यूट, दैट्स ऑल आई वांट, ही इज वेरी अडॉरेबल। She hates Big Boss. मैं थोड़ा देख लेती हूँ, बिकॉज सुम्बुल टॉकीर है शो में जिसके साथ बहुत स्पेशल कनेक्शन है, तो उसके लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए मैं बिग बॉस देखती हूँ, एंड एंटरटेनिंग है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी और उनकी एक बात हुई थी बिल्कुल उनके जाने से पहले, एंड शी सर आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ, तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा था जस्ट बी योर सेल्फ, बिकॉज तुम इतनी मैग्नेटिक एक पर्सनैलिटी हो कि तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही पड़ेगी, इफ यू आर योर सेल्फ, सो आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज़ डूइंग। सो फॉर नाउ मेरा एक रियलिटी शो करके पेट भर सा गया है, so I would want to go back to my roots, go on the set every day at 8:30, get ready, do my scenes, come back home, sleep nicely after doing a good scene, I think that is what I would want to do. किस तरह का गेम उनका लग रहा है, काफी अमेजिंग गेम वो खेल रहे हैं, कुछ आपकी चर्चा हुई थी जब वो बिग बॉस में हमारी कुछ चर्चा तो नहीं हुई थी, और अमेजिंग गेम स्टार्टिंग में था कि मतलब वेयर शी वाज लाइक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही थी, वेरी बॉसी एंड दिस एंड दैट, तो अभी मेरे को लग रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है शी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, बिकॉज आफ्टर कैप्टेंसी, अभी वाला कैप्टेंसी के टाइम पे तो शी वाज लाइक ओ ये होगा वो होगा ऐसे सब, बट नाउ आई फील शी हैज बिकम दिस क्राइंग बेबी थोड़ी बहुत, बट अब्दू इज अ स्वीट हार्ट लव ऑफ माय लाइफ, इतना क्यूट है, मेरे को लगता है बिग बॉस हाउस जाके इसको टाइट हग कर। आई वुड लव टू गो, बुलाओ। इसके अलावा जितनी भी क्लिप देख रहा हूँ सब में अब्दू ही दिख रहा है, और मुझे लगता है ये सीजन बहुत अच्छे है सभी कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि अब्दू के सामने किसी को भी और ज़्यादा लाइक कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब्दू इज जस्ट अ वेरी अडोरेबल पर्सनैलिटी, तो इट्स वेरी अनफेयर एंड आई एम ग्लैड कि इसी दिन में मैं नहीं हूँ।